आगे आ जाओ बहन जी, आगे आ जाओ। जबरदस्त तैयारियां हैं, लोगों के अंदर जोश है। पिछले 10 साल के अंदर भाजपा के द्वारा किए हुए वादों की जो पूर्ति नहीं हो पाई उसके प्रति लोगों में आक्रोश है। और लोगों ने देखा है, खासतौर पर युवाओं ने, कि 10 साल में जो बेरोजगारी है वो हिंदुस्तान में चरम सीमा पे, सबसे पहले हरियाणा है। आज ना हम फौज में जा सकते हैं क्योंकि अग्निवीर आ गया। प्रदेश के अंदर 2 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, तो नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आम आदमी का जीवन महंगाई से पीड़ित है और जहाँ तक रहा विकास, वो नाम तो शून्य है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन करेंगे और उसके अंदर कांग्रेस को मतदान करके भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। सर, क्या विजन है मैंडेटों को लेकर, क्योंकि सत्ता में आप दो ही लोग रहते हैं, तो आप क्या विजन ले आए? विकास की गति जो रोक दी गई थी, जो 10 साल में कांग्रेस राज में विकास हुआ उसके बाद में शून्य पे था, उस विकास की गति को वापस भी पूरा करेंगे, प्लस कुछ ऐसा करके भी दिखाएंगे जो यहाँ के लोगों को इस बात के लिए संतुष्टि हो कि वाकई में जो 10 साल में नहीं हुआ और अब आने वाले समय के अंदर बहुत तेज इशू हुआ। सर, बाकी टिकटों की घोषणा कब जाएगी? क्या कल तक सब आ जाएगा? सब आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आने के, हाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आएंगे और आपके राजस्थान झुंझुनू से जो MP हैं जिस रामवाला जी आएंगे, राजस्थान के CLP लीडर हैं टीकाराम जी जूली, वो आएंगे। और उदयवान जी को अगर समय मिला, क्योंकि आज नॉमिनेशन बहुत जगह है, अनेक जगहों पे जाने का हो रहा है, अगर उनको सही टाइम पे यहाँ पर लैंडिंग परमिशन दी गई तो वो भी आएंगे। मतलब हुड्डा साहब को पहुँच गए।